जय हो, जय हो। गुरु जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, जहाँ मन को बहुत शांति मिलती है और हमारी सभी प्रॉब्लम चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, सभी चीजें दूर होती है हमारी, इसीलिए शांति के लिए आते हैं। आज गुरुपद है उनको श्री कृष्ण भगवान जी ने स्वयं सौंपा था, उसके दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। झाड़ा लगाने वाले तो जी हर आपने दो हर गांव के दो चार मिलेंगे, और मैं भी इनका भोगी हूँ। मैं भी इनके पास आया गया था 5-7 साल पहले, गुरु जी नहीं मिले थे। ये तो कुछ नहीं, दुकानदारी मात्र है, वहाँ 50-100 रुपये चढ़ावा चढ़ा दो, दो चार टोने टोटके बता दो, मिठाई रखवा दो, चलते पानी में बहुआ दो, ये तो डोंडर और बबंडर हैं। जो हमारे घर में बहुत परेशानी थी जी, अच्छा। परिवार में घर में क्लेश वगैरह और बीमारी की, बाबूजी बीमार थे, अच्छा। मतलब बहुत सी घरेलू परेशानियाँ थी। हमारे यहाँ गुरु जी के आने के बाद में बहुत सी सोल हो गई हैं। पहले जब आया जी, उससे पहले मैं कई जगह घूम चुका था। वाइफ को बड़ी परेशानी थी, ऊपरे पराई की कह लो या कोई भी चीज़ कह लो, हर चीज़ की परेशानी थी। एक साल से पता भी था यहाँ पे जाना है। हमारे मामा जी के यहाँ से आते थे, जो मामा जी की लड़की आती थी, मामा जी के जो दामाद जी आते थे, उन्होंने बोला भी था हमें कि आने के लिए, वही हमें लेके आए थे यहाँ पे। तो जब लेके आए थे तो स्पेशल उन्होंने यही कहा कि एक बार साथ तो चलो, हार तक कि उन्होंने कहा जी एक लास्ट जगह रह गई, वहाँ चलते हैं। जब यहाँ पे आए तो पुराने घर पे रहते थे गुरुजी तभी, तो वहाँ जाके जब मिले, हम मिलने के बाद बैठाया उनकी जो ऊपर जो भी लगता था, वो जो उनके पास आया, गुरुजी ने बोले कोई बात नहीं, बैठ जाओ, अब आगे से परेशानी नहीं होने देंगे। कई धामों पे हमने ऐसा देखा है कि किसी ना किसी नाम पे जो आने वाले लोग हैं उनसे पैसे भी लिए जाते हैं, यहाँ ऐसा है नहीं? पैसे का कोई वो नहीं जी, यहाँ पे कोई पैसे का नहीं, किसी चीज़ की वो नहीं, पैसे की ना कोई पर्ची का ना कोई चीज़ के लिए, बल्कि यहाँ पे तो सेवादारों को ये बोला किसी को किराए की जरूरत पड़े तो वो भी दे देना। वैसे तो झाड़ फूक से काफी जगह आराम होता है, ऐसी बात नहीं है कि मेरा काम तो हर जगह हो रहा है, पर मेरा हर जगह जाना हुआ है, मैं ज्यादा यहीं से कनेक्ट हूँ, तो अंतर है यहाँ ये अनुभव का विषय। यहाँ जो आके मुझे मिला है वो मेरे को एक तो आत्मसंतुष्टि हुई है, और यहाँ मेरे को ये नहीं लगता कि मेरे को फायदा होगा तो ही मैं इधर आऊँ, मेरे को आगे अच्छा लग रहा है, और परमात्मा से संबंधित काफी सारे लेकिन ही जहाँ एक आत्मा को संतुष्टि मिलती है, आनंद मिलता है, प्रेम होता है, वहाँ पर भी लोग आते हैं। और ऐसा हम इस धाम में आए हैं तो हमें लगा भी है, हमने अनेकों धामों की यात्राएं की है, लेकिन यहाँ आकर के जो एक ईश्वरीय प्रेम है उसकी जो अनुभूति होती है वो एक अलग है। कोई पाखंड अंधविश्वास विश्वास नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई तरह कोई टोना टोटका नहीं, बस परमात्मा का नाम ध्यान में चल रहा है, इससे बढ़िया हमें तो भगवान के लिए भी नहीं मिल सकता। तो साथियों, हम जो यहाँ आए हुए श्रद्धालु हैं उनकी पति के लिए आप तक पहुँचा रही हैं।